डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री रहेंगे या नहीं अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज ये साफ कहा कि विश्वास है कि वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे, लेकिन अभी तक किरोड़ीलाल मीणा ने पत्ते नहीं खोले हैं। दरअसल पूर्वी राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे का ऐलान कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। करीब 3 महीने होने को है, किरोड़ी मीणा ने ना तो सरकारी बंगले का इस्तेमाल किया और ना ही सरकारी गाड़ी का। पंत कृषि भवन और सचिवालय से दफ्तर भी नहीं जा रहे, सभी तरह की सरकारी सुविधाएं छोड़ चुकी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 20 जून को ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। अब सियासी गलियारों में एक ही चर्चा हो रही है कि क्या बाबा अपने फैसले पर कायम रहेंगे या नहीं। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे प्रकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पॉजिटिव संकेत दिए। मदन राठौड़ ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा कामकाज संभालेंगे। किरोड़ी मीणा हमारे वरिष्ठ और अनुशासित कार्यकर्ता हैं। भावनाओं के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया और ना ही स्वीकार करेंगे। बात हो गई, किरोड़ी लाल जी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रहे हैं, काम करेंगे, मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की खबर सामने आई तब बीजेपी में खलबली सी मच गई थी। फिर खलबली तब मची जब आदिवासी दिवस के दिन दौसा में मीणा हाईकोर्ट के प्राचीर से डॉक्टर किरोड़ी ने अपने समर्थकों से कहा कि मैंने भजनलाल सरकार के मंत्री पद को इसलिए ठोकर मार दी क्योंकि जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात नहीं रखी। दरअसल मंत्री पद से इस्तीफा देने का सार्वजनिक ऐलान करने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली जाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद किरोड़ी मीणा ने कहा कि जेपी नड्डा ने बुलाया था, कुछ ऐसी बातें हुई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान भावी घटनाक्रम को शायद सामने रख रहे हैं। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। 4 जुलाई को जयपुर में आयोजित एक धार्मिक सम्मेलन में डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने कहा कि अगर ज्यादा बारिश आएगी तो वोट भी तो लेनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि हम पूरी तरह भीग जाएं। बारिश में वोट लेना बैकफुट पर आना नहीं होता। पूरे घटनाक्रम के पीछे दौसा के विधानसभा का उपचुनाव भी अहम कड़ी है। यहां से डॉक्टर किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा ने चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर रखी है। जगमोहन मीणा के पोस्टर गांव-गांव तक लग चुके हैं। डॉक्टर साहब भी चाहते हैं कि उनके अनुज चुनावी समर में उतरे। बीजेपी आलाकमान को तय करना है कि टिकट किसे दिया जाए। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बातों से लगता है जल्द ही इस इस्तीफा प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।